ये पूरी खबर जडियाला अमृतसर की बताई जा रही है। बाबा बकाला साहिब सब डिवीजन गोलो नागल बनी कॉलोनी दो पक्षों के बीच झगड़े के दौरान दोनों पक्षों को आई चोट। ये मामला थाने में दर्ज है, कार्रवाई की जा रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलविंदर सिंह काली ने कहा कि गांव डोलो नागल का निवासी हूँ, अपनी कॉलोनी में बैठता हूँ। कॉलोनी का निवासी मनदीप अपने घर के सामने कुछ व्यक्तियों के साथ शराब पी रहा था। एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा। हमने बोला गरीब व्यक्ति को क्यों मार रहे हो। उस आदमी को छुड़वाने के लिए हम गए तो उसने हमारे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे दो आदमियों की पगड़ी उतार दी। उस समय मेरा ड्राइवर बलजी दूसरी कॉलोनी से आया, उसके साथ झगड़ा शुरू हो गया। शुरू होते ही उसके सिर पर काफ़ी चोट आई और उसके पैर में भी काफ़ी चोट आई। प्राइम बेकिंग न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं खास रिपोर्ट। दो तरीक नूं जी बेनती है कि साढ़े ना कलोनी च लिया के साड़ी अपनी कट्टी कलोनी च लिया के बाहरों बंदा लिया के इन्हू कुटमार कर रहे जी। इन्हू जाके छुड़ाउण लगा मैं ते मेरे दो नाल हैगे मुलाजम जिहड़े इत्थे काम करदे आ जी। उन्होंने पहले चपेड़ा मारियां तो फिर इन्हां नूं मैं जाके भज के पिया तो इन्होंने मेरी भी पग लाती तो मैनू भी उत्थे दी मिट्टी कट्टे च रोलिया जी। प्रशासन को की मंग तुहाडी? प्रशासन को यह जी दोषियों नूं जिहड़ी सज़ा दित्ती जाए, जिहड़ा इंसाफ दित्ता जाए जी। अपना यदि जी इस लड़ाई की जी चंगी तरह जरा तफ्तीश की जाए तो दोषियों को वो सज़ा दी जाए। साढ़े बारे इस पूछा जाए, इन बारे पूछा जाए भी ये की करते इन बंद जो सा लड़े आ इन तो पेल किन्ने पुलिस केस है के ठीक है जी। हाँ जी सर, यह दौलो नंगल च कलोनी जी जी लड़ाई वे बारे दस की मामला है। अज मैं थाना ब्यास का नवा चार्ज लिया। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ 3/5/2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਨੰਬਰ 124/3/5/2021 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 323, 324, 506, 2556 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਐਸ ਆਈ ਸੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ ਐੱਲ ਆਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋੜਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ ਆਇਆ? ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਐਸ ਆਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲੈਵਲ ਹੋਣੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।